नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एक्टिव फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी भोपाल का होली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से दीपक जोशी एवं राजीव जैन, गिरीश शर्मा, अनिल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य दोस्त उपस्थित थे। हम लोग उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां हमें मित्रों की सर्वाधिक जरूरत पड़ती है। रिश्ता तो हम लोगों का 50 साल पुराना है, लेकिन बीच में अपनी जिम्मेदारियां, अपनी परिस्थितियों से सब अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए और मिलना मिलाना कम हो गया। इसी कमी को देखते हुए हमारे दीपक भाई ने एक संगठन बनाया, जिसमें सभी पूर्व छात्र नेताओं, पूर्व मित्रों को एकत्रित किया। बहुत बड़ा काम था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, लेकिन सबको इकट्ठा करने के बाद एक्टिव फ्रेंड्स नाम से एक संस्था बनाई, और जिसमें आज इतने वर्षों से साथ साथ काम करते करते फिर वही पुराना माहौल लौट के आया है। हम कॉलेज के मित्र जैसे आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, मित्रता रखते थे, एक दूसरे के परिवार में सुख दुख के भागीदार बनते थे। आज उसी तरीके से हम लोग इस संस्था के बैनर तले सब एक दूसरे को साथ में सभी कार्यक्रम मनाते हैं, हिलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के सुख में शरीक होते हैं। और एक्टिव फ्रेंड्स साल भर इसी प्रकार के कार्यक्रम करती है, जिससे मित्रों का मिलना चलता रहे और हमारे कार्यक्रम भी चलते रहे, हमारी संस्कृति भी बची रहे और हम देश और समाज का उत्थान भी कर सकें। नमस्कार जी, पयोज जोशी, अध्यक्ष एक्टिव फ्रेंड्स ऑफ भोपाल के काम कुछ छात्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया, एक्टिव फ्रेंड्स ऑफ भोपाल। उद्देश्य ये था कि हम सब लोग कभी न कभी छात्र नेता या छात्र राजनीति में रहे, कुछ लोग सर्विस में चले गए, कुछ लोग व्यापार में चले गए, कुछ लोग पत्रकार, डॉक्टर जो भी बनते गए, लेकिन उनमें लीडरशिप की क्वालिटी थी। समाज में आज की तारीख में ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी की जरूरत है। और दूसरा हमारा मानना है कि सारे रिश्ते भगवान बना के भेजता है, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। दोस्त वो होता है जो बुरे से बुरे वक्त में बुरे से बुरे आदमी का भी साथ दे, उसका दोस्त बुरा भी होगा लेकिन साथ उसी का। तो ऐसे की उम्र के इस पड़ाव पे हम लोग सब लोग थे, जहाँ पे लगभग हमारे बहुत से दोस्त रिटायरमेंट हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग सब मिलते रहे, समृद्ध से जुड़ते रहे। इस नाते से हमने संस्था का गठन किया था 2012 में, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ 80G की सदस्यों की स्थल के माध्यम से। हम अपना कार्यक्रम लगातार करते हैं, हम 12 साल में 12 कार्यक्रम करते हैं। हमारे बाकायदा संस्था के चुनाव होते हैं, चुनाव भी हम लगभग। आज हमें ये लगता है कि समाज में जब परिवार टूट रहे हैं और ऐसे समय में दोस्त बहुत आपकी मदद कर सकता है, पूरी दृष्टिकोण से हमने ये संगठन बनाया है। और आज आप देख रहे हैं कि उसी का एक होली मिलन हम लोगों के लोग आपस में मिलते हैं। तो आज जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे इस एक्टिव फ्रेंड्स ग्रुप का ये होली मिलन समारोह है, और अध्यक्ष हमारे पयोज जोशी और हमारे संरक्षक और हमारे सबसे जो शुरुआत की थी ऐसे दीपक जोशी के साथ मिलकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है एक्टिव फ्रेंड्स, ये दलगत और पार्टियों से ऊपर है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी, इसमें सब पार्टी के लोग हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने इस भोपाल के शहर में अपने अपने कॉलेजों में निकल करके चुनाव लड़ करके बहुत राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बहुत आगे भी गए हैं और आज भी हैं। तो आज हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से यहाँ एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी हो जाए, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है, वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और आज उसी रिश्ते को शाहरुख करते हुए हम आज यहाँ होली मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं और इसका जो लक्ष्य हमारा कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला चल चल, सफलता हमारे कदम चूमेगी आज अभी और कल, इसी प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे एक्टिव फ्रेंड भोपाल में एक अपने आप में एक ऐसी छाप, अमित छाप छोड़ने जा रहा है, दोस्ती के नाम पर एक अपने आप में एक अटूट है। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव जैन, एक्टिव फ्रेंड ग्रुप का सक्रिय सदस्य। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।